चुपरी जिले की करेरा तहसील में खाद पदार्थों की गुणवत्ता परखने जिला खाद अधिकारी ने लिए सैंपल। शिवपुरी जिले की करेरा तहसील में खाद पदार्थों की गुणवत्ता परखने जिला खाद अधिकारी और उनकी टीम ने मिठाई की दुकानों सहित जनरल स्टोर्स और किराना स्टोर की दुकानों से खाने पीने की वस्तुओं के सैंपल लिए। साथ ही कुछ पेय पदार्थों की एक्सपायरी डेट समाप्त हो जाने पर उन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके कारण खाने पीने की वस्तुएं खराब हो चुकी थी पर दुकानदारों के द्वारा ग्राहकों को बेची जा रही थी। इस सूचना पर जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देशन पर करेरा तहसील के बाजारों में सैंपलिंग की गई। लगभग 5-6 दुकानों की चेकिंग की गई, जिसमें एक्सपायरी जो सामान था उसको फेंका गया और 4 दुकानों से सैंपलिंग की कार्रवाई की गई, जो जिनकी रिपोर्ट आने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये किसी अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है कि रूटीन कार्रवाई है? ये वैसे रूटीन कार्रवाई है, बट टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है, स्पेशली क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक्सपायरी माल ज़्यादातर दुकानों पर संभावना होती है कि रखा हो, तो उसको चेकिंग करने के लिए स्पेशली चेकिंग कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हाँ, ये लगातार अब कार्रवाई जारी रहेगी और कहीं भी मिलावट होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लगातार कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी।